नमस्कार, कार्यक्रम कुजीन शो में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको सिखाते हैं वेज और नॉन वेज दोनों तरह की रेसिपीज़ को बनाना, और रेसिपीज़ बनाने के साथ साथ हम उसकी पौष्टिकता, उसके न्यूट्रिशियस वैल्यूज़ को कैसे मेंटेन रखें, ये भी हम इस कार्यक्रम में बताते हैं, और आज भी हम इस पर बात करेंगे। तो आइए दर्शकों, हम चलते हैं होटल AVR के मैनेजर के पास। नमस्ते। आप सभी का हमारे होटल AVR पे स्वागत है। बहुत खुशी हुई कि आप सभी आए। हमें भी आके यहाँ पूरी टीम के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने ये पूरा ये सारी चीज़ की शुरुआत कैसे की, इसका इंस्पिरेशन आपको कैसे मिला? हमारा 2015 में ये होटल ओपनिंग हुआ। अच्छा। उसके बाद से बहुत ही अच्छा से चला। हम सभी मिल के मेहनत की और आज उस स्थान पर पहुँचे हैं जहाँ हमें होना चाहिए। वाह सर। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये होटल इतना बड़ा होटल है, ये तो इसके जो हाइजीन को आप कैसे मेंटेन कर पाते हैं, कैसे रख रखाव कैसे करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही पूछा आपने जी। हमारे होटल के सारे स्टाफ और हमारे सेफ भी ये बिल्कुल इस पे ध्यान रखते हैं कि हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से बनवाते हैं और हाइजीनिक बहुत ये करते हैं। हाइजीनिक फूड मिलता है हमारे यहाँ, इसी वजह से दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर से भी आते हैं, और इसी वजह से हम बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों का भी रखते हैं और नौजवानों का भी रखते हैं। उसी मुताबिक हम अपने मेनू को उनके सामने लाते हैं और देते हैं। आपने इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि हम लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। क्या एक्सक्लूसिव मेन्यू है यहाँ का? एक्चुअली हमारे यहाँ तो सब चीज़ स्पेशल ही है। हाइजीनिक फूड देते हैं, बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, बुजुर्गों का भी रखते हैं, और उसके बाद हम उसी मुताबिक अपना जो भी मेनू हमारा बनता है उसी मुताबिक इकोनॉमिकल वे में हम उसको सर्व करते हैं और देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो चलते हैं अभी AVR होटल AVR के किचन में। जी प्लीज। तो दर्शकों, अब मैं आ गई हूँ होटल AVR के किचन में, और आज हम मिलेंगे आज के हमारे शेफ से और उनसे ये जानेंगे कि आज वो हमारे दर्शकों को क्या बनाना बता रहे हैं। हेलो शेफ। यस। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे क्विजीन शो में। आप दर्शकों को अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम उमेश रॉय है, मैं आपका AVR होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ, और आप लोग को आज मैं वेज लोडेड पोटैटो बना के दिखाने वाला हूँ। अच्छा, तो शेफ आज हमारा पहला जो हमारी जो पहली रेसिपी है वो है वेज लोडेड पोटैटो। तो कैसे इसकी शुरुआत करें, क्या करें हम लोग? पहले हमको एक आलू लेना है। जी जी ठीक है जी। आलू को लेके, तो ये आलू क्या कच्चा है या इसको क्या किया गया? ये एक्चुअली ये बॉइल पोटैटो है जी। तो लेने के बाद हमको एक बॉइल आलू को लेके जी इसे बीस से काटना है जी। काटने के बाद ये जो बॉयल आलू है, काटने के बाद इसको स्कूप करने पड़ता है जी, जी। तो बीच का जो सेंटर है जी, उसको बीच से हाँ, उसको स्कूप आउट कर देना, पूरा स्कूप आउट करके बॉयल आलू का जी जी। लेकिन जी, ये विट स्किन है आपका जी। अच्छा, स्किन के साथ, मतलब स्किन का साथ छिलके, आलू बॉयल करके उसका छिलका नहीं उतारना है, छिलके के साथ ही रहेगा वो जी। तो ये हो जाने के बाद जी, तो आपको ये बॉयल वाला आलू को जो मैंने स्कूप किया है इनको फ्राई करना है आपको। दर्शकों, हमको एक फ्राइंग पैन लेना है, हेवी तली का फ्राइंग पैन लेना है, और उसमें कौन सा ऑयल डालेंगे इसमें? नॉर्मली वी यूज रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल इसमें हम लोग रिफाइंड ऑयल डालेंगे। और इसका आंच हम कैसा रखेंगे, फ्लेम कैसा रखेंगे? नॉर्मल रहेगा आपका जैसी टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। वी आर वेटिंग फॉर द राइट टेम्परेचर टू गेट इट हीट। अब मैं आलू डाल रहा हूँ आपका इसमें। अच्छा शेफ, आपने इसमें ये आलू उसको टर्न करके उल्टा करके डाला है, ऐसे ही करना है? अच्छा, दर्शकों इसमें आलू को सीधे पहले नहीं, उल्टा करके इसको डालना है उसमें, उसको टर्न आउट करते रहना है। दर्शकों, अब ये आलू फ्राई होने वाला है, ये गोल्डन ब्राउन की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और ये अभी रेडी होने वाला है। गोल्डन ब्राउन हो चुका है आपका। अच्छा, तो अब हम लोग इसको निकाल लेंगे जी जी। आलू को थोड़ा सा अपसाइड डाउन रखना है,
इनका जो ऑयल है ऑयल थोड़ा सा स्टेन हो जरा जी, मतलब आलू को उल्टा करके रख देना ताकि अंदर जो भी उसके ऑयल है वो पूरा निकल जाए। जी जी। नेक्स्ट आपको स्टफिंग बना के दिखा रहा हूँ आपका, जो स्टफिंग होगा अंदर। जी जी जी। अच्छा, ये आलू अब पूरा गोल्डन ब्राउन होकर के रेडी हो चुका है, अब इसमें भरने के लिए क्या उसमें भरना है इसके लिए अभी आप सामान रेडी करेंगे। जी जी सर। कैरेट बीन्स है और जुकीनी भी है और ब्रोकली भी है। जी जी। इसको चॉप करके मैं स्टफिंग बना रहा हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में ये सारी वेजिटेबल्स सबको काट लेना है। मैं इधर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल रहा हूँ, थोड़ा सा चॉप गार्लिक, ज़्यादा नहीं। जी। इसको गोल्डन ब्राउन करना है शायद। गोल्डन ब्राउन करने के बाद जी मैंने जो वेजिटेबल चॉप किया था, वेजिटेबल जो चॉप किया है इसको मैं डाल देना। अच्छा, उसमें डालना है वो जो सारे वेजिटेबल जो चॉप किया आपने उसको उसमें डाल देना है। जी। इसमें थोड़ा कॉर्न डालता हूँ मैं। अच्छा, कॉर्न डालेंगे उसमें। कॉर्न हो गया थोड़ा सा आपका। जी जी। तो इनको मैं थोड़ा सा सौते करूँगा 1 से 2 मिनट। जी, थोड़ी देर बस इसको सौते करना है। 1 से 2 मिनट। अच्छा, 1 से 2 मिनट करना है। ये बॉइल्ड वेजिटेबल है ऑलरेडी। अच्छा, ये ऑलरेडी ये सारे वेजिटेबल्स जो भी आपने डाले सब बॉइल्ड है क्या? तो मैं थोड़ा सा आपका ये बेजिल डालूंगा। बेजिल्स, चिली फ्लेक। चिली फ्लेक्स और बेजिल्स डाला आपने उसमें। अब इसको अच्छी तरीके से मिलाना है। अब इसमें क्या डालेंगे? थोड़ा सा चीज़ जाएगा आपका। चीज़, अमूल चीज़ डाला आपने। ये आपका क्रीम है, कुकिंग क्रीम है। अच्छा, क्रीम डाल के इसको फिर अच्छे से मिलाना है। पिंच ऑफ सॉल्ट, ज़्यादा नहीं। आपका चीज़ में ऐसी आपका सॉल्ट होता है तो कम जी, कम डाला गया है। अच्छा जी, बिल्कुल सही वाला आपने शेफ की। चीज़ जो होता है उसमें ऑलरेडी उसमें सॉल्ट होता है, ऑलरेडी सॉल्ट होता थोड़ा है। थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर। जी, तो मेरा मिक्सर अभी बन गया है, बन के तैयार हो गया। वेज लोडेड पोटैटो के लिए जो भरावन जो बनाना था वो अभी हमारा बनके तैयार है। मेरा ये स्टफिंग बन चुका है लोडेड पोटैटो का। स्टफिंग के लिए ये रेडी है अभी, आलू जो हमने हाफ डीप फ्राई करके रखा है उसके लिए ये स्टफिंग रेडी है। तो अभी शेफ हमें करके बताएंगे कि उसमें कैसे उसको भरना है। ये जो पोटैटो मैंने फ्राई किया हुआ है इसका अंदर ये आपका स्टफिंग होगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना है शेफ उसको ना, वो पूरा उसके इक्वल उसको रखना है। जी। अब मैं ऊपर से थोड़ा चीज़ डाल रहा हूँ, बेक होगा ये पोटैटो। जी जी। आपने वो चीज़ को ग्रेट करके रखा हुआ है। आप ये अमूल चीज़ है, आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अमूल चीज़ या मोज़रेला चीज़, उसको ग्रेट करके उसके ऊपर टॉपिंग में उसको दे देना है। ये बेक होगा। अच्छा, अभी ये भर के इसको 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको कितनी देर तक के लिए बेक करना है? 3 से 4 मिनट के लिए इसको हमको ओवन में बेक कर देना है। तो चलिए हम इसको रख देते हैं ओवन में बेक करने के लिए, और उन 4-5 मिनटों में हम आपको बनाकर दिखाते हैं टोमेटो सालसा। टोमेटो सालसा बनाने की विधि। सालसा बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या लिया? बनाने के लिए आपका सीडलेस टोमेटो। अच्छा, उसके बीज निकाल देने। बीज निकाल देने उसके। और क्या लेना है शेफ उसके लिए? आपका ग्रीन चिली चॉप, हरी मिर्च, छोटी छोटी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और क्या डालना है इसमें? आपका ये धनिया चॉप जाएगा। अच्छा, कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता, हरा धनिया पत्ता वो भी अच्छे से कटा हुआ, और लेमन जूस। जी जी, थोड़ा ही नमक आपने डाला है। जी, और वाइट पेपर। अच्छा, ये सब डाल के उसको अच्छे से चलाना है, उसको मिक्स कर लेना है। तो ये मेरा अभी सालसा बन चुका है। जी जी, वेज लोडेड पोटैटो के साथ खाने के लिए ये रेड सालसा तैयार है। इसके साथ कुछ और साथ भी खाना है? सावर क्रीम। जी जी, सावर क्रीम के लिए फिर क्या क्या लेना है शेफ? सावर क्रीम के लिए थोड़ा सा क्रीम लेना है। अच्छा, नींबू का रस, थोड़ा सा लेमन जूस, पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा नमक,
क्रीम में आपने थोड़ा नींबू का रस मिलाया और थोड़ा सा सिर्फ नमक उसमें जी। आपका ये सावर क्रीम बन चुका है जो लोडेड पोटैटो के साथ में ही आएगा, तो ये सावर क्रीम बन चुका है। ये अभी लोडेड पोटैटो मेरा ओवन से बेक होके आया है, ठीक है, ये रेडी हो गया। रेडी हो गया, अभी मैं इनको प्रॉपर गार्निशिंग और ये करके आपको दिखा रहा हूं, प्लेटिंग करके दिखा रहा हूं। जी जी जी, हमारा वेज लोडेड पोटैटो रेडी है, उसके साथ टोमेटो साल्सा और सॉर्ट क्रीम भी हमारा तैयार है। तो अब शेफ उसको उसकी प्लेटिंग कर रहे हैं, गार्निश करके हमें दिखा रहे हैं। उसका ऊपर थोड़ा सा आपका साल्सा देना है जो डिप मैंने बोला था। जी जी, थोड़ा थोड़ा ही डालना है उसमें शेफ, थोड़ा ही डालना है उसमें। ये आपका सावर क्रीम बहुत ही सुंदर लग रहा है देख करके। नीचे वो टमाटो और ये जो धनिया पत्ता के साथ वो ग्रीन रेड और उसके ऊपर से ये वाइट टॉपिंग जो आपने करी है शेफ, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने से। और ऊपर से आपका थोड़ा ऑलिव डलवाता हूँ, ब्लैक ऑलिव, तो इसका ब्लैक एंड वाइट का जो मैचिंग है। ये आपका पार्सली स्प्रिग है, पार्सली जी जी, इसको ऊपर करके बहुत सुंदर गार्निशिंग किया है शेफ आपने। मतलब नीचे वो जो वेज लोडेड जो पोटैटो है उसके ऊपर टमाटो का जो आपने उसके ऊपर जो डाला स्टफिंग, उसके ऊपर फिर वाइट आपने उसकी टॉपिंग की, उसके ऊपर वो ग्रीन, वो मल्टी कलर पूरा वो ये नज़र आ रहा है और इतना सुंदर। आपका फाइनल थोड़ा प्लेटिंग रहेगा, ये बीटरूट मेयो है आपका, बीटरूट मेयोनीज के साथ इसकी और अच्छी खूबसूरती आ जाएगी। इसकी प्लेटिंग वाकई, गार्निशिंग इसकी बहुत ही खूबसूरत है। ऑलमोस्ट सारे कलर्स मुझे इसमें नज़र आ रहे हैं, रेड हो गया, वाइट, ग्रीन, येलो और उसके बाद ब्लैक, पिंक, वो सारे कलर्स मुझे, ये पूरा कलरफुल दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देख करके। ये लोडेड पोटैटो बन गया है, मैडम को थोड़ा टेस्ट करवा रहा हूँ, आके बोलिएगा कैसे। तो ये इतना सुंदर लग रहा है देखने में शेफ, आपने बहुत ही सुंदर बनाया ये। और तो चलिए मैं खा करके बताती हूँ कि ये इसका टेस्ट कैसा है। वाओ, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट, एक स्मूथ सा टेस्ट आ रहा है हमारे, मतलब मेरे मुंह में। और वो क्रीमी, वो क्रीम भी है उसके अंदर, जो कॉर्न जो डले हुए हैं वो क्रंचीनेस उसका वो उसमें पूरा महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू शेफ, थैंक यू। वेज लोडेड पोटैटो बनाने की विधि, सबसे पहले छिलका सहित बॉइल्ड आलू को ले लेंगे। इस आलू को बीच से हम दो भाग कर देंगे, दो टुकड़ों में काट देना है, बीच के पार्ट को स्कूप आउट कर देना है और जो स्कूप किया गया आलू है उसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हम भून के निकाल लेंगे। फिलिंग के लिए हम लेंगे कैरेट, बीन्स, अमेरिकन कॉर्न और एक पैन में हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ले लेंगे या बटर भी हम इसमें डाल सकते हैं। बटर जब थोड़ा गर्म हो जाए तो उसमें हम चॉप गार्लिक डालेंगे, हल्का सा उसको ब्राउन कर लेंगे। ब्राउन करने के बाद हम इसमें जो भी वेजिटेबल्स हमने बॉयल करके कट करके रखा है वो हम उसमें डाल देंगे। उसमें डालने के बाद उसको एक से दो मिनट हम उसको सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम उसमें थोड़ा सा डालेंगे चिली फ्लेक्स, बेसिल डालेंगे। बेसिल डालने के बाद हम इसमें उसको थोड़ी देर और सौते करेंगे। सौते करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे अमूल चीज़ और ऊपर से हम इसमें क्रीम डालेंगे ताकि उसका एक सॉसीपन जो है, सॉसी लुक उसमें आ जाए। हमारा ये मिक्सचर जो है वेज लोडेड पोटैटो के लिए वो रेडी है। अब इसको हम किस चीज़ के साथ खाएंगे, वो है टोमेटो साल्सा डीप के साथ हम इसको खाएंगे। उसके लिए हमें क्या लेना है, टोमेटो लेना है, सीडलेस टोमेटो लेना है। उसको क्या करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना है। उसमें हरी मिर्च, कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज और थोड़ा सा सिर्फ स्वादानुसार नमक डालेंगे। नींबू का रस डाल के इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। ये हमारा टोमेटो साल्सा तैयार है। इसके साथ खाने के लिए और एक चीज़ हम बनाएंगे, सार क्रीम। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले कुकिंग क्रीम, इसमें थोड़ा सा हम नींबू डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल के उसको बहुत अच्छे से हम बीट करेंगे, एक फ्लफीनेस उसमें आ जाएगा। तो हमारा ये दूसरा डिप
सार क्रीम तैयार है। दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमारे शेफ ने आपको बनाकर दिखाया वेज लोडेड पोटैटो विथ टोमेटो साल्सा और क्रीमी सॉर क्रीम। तो अब हम शेफ से ये जानना चाह रहे हैं कि हमारा जो अगला आइटम है वो हमारे दर्शकों को आप क्या बनाकर दिखा रहे हैं। तो मैम, जो नेक्स्ट आइटम है मैं जो बनाकर दिखा रहा हूँ, जी कॉटेज चीज कैनेपी है। अच्छा, कॉटेज चीज कैनेपी। तो उसके लिए कैसे शुरुआत करनी है, क्या क्या करना है शेफ? पहले पनीर लेना है आपका चीज के लिए। जी, पनीर लेना है। पनीर लेना है जी। कैसे काटेंगे पनीर को? बड़े बड़े टुकड़ों में? क्यूब्स कटिंग में होगा, स्क्वायर, पूरा स्क्वायर में। जी ये पनीर को थोड़ा सा स्कूप करना है आपको। अच्छा, स्टफिंग कर लिए। जी, पनीर को बीच से स्कूप करके निकाल देना है पूरा। अभी आपने एक पैन में रिफाइंड ऑयल डाला आपने। जी, एक साइड शेफ ने पनीर लिया, पनीर को स्क्वायर काट लिया है और उसमें से वो स्कूप करके निकाल रहे हैं पनीर को, और दूसरी तरफ उन्होंने पैन चढ़ाया है और पैन में रिफाइंड ऑयल डाला उन्होंने। अच्छा, स्कूप आउट कर देना है पूरा। पनीर का स्कूप आउट हो चुका है। जी अभी मैं ये बैटर जो है, बैटर रेडी किया आपने। बैटर में आपका जेगी मिर्च है जी, फ्लावर है, हल्का सा सॉल्ट है और पानी है। बैटर बना के इसको हमको फ्राई करना है पनीर जी। थोड़ा पानी लेके उसमें मैदा डालें, जेगी मिर्च, हल्का सा नमक जी। पैन में हम लोग थोड़ा ज़्यादा करके इसको तलने के लिए पूरा रिफाइंड ऑयल हम लोग ले लेंगे और उसको गर्म होने देंगे। और अभी आप ये क्या बना रहे हैं शायद? इसका बैटर बना रहा हूँ। अच्छा, इसका ये बैटर आप रेडी कर रहे हैं। इसमें मैदा डाला हुआ है। जी इसमें आपका जो बैटर बना हुआ है जी, इसमें देगी मिर्च है, हल्का सा नमक है और हल्का सा पानी है। बैटर किस तरीके का होना चाहिए? बहुत नहीं, ज़्यादा थिक भी नहीं। हाँ, और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं, ताकि वो पनीर अगर हम डिप करें तो वो फट से वो गिरे नहीं, वो पकड़ के रखे, उसको बाइंड करके रखे। जी तो ये बैटर देखिए, ये थोड़ा थिक है। जी तो थोड़ा सा हमको पतला करना है। थोड़ा पानी डालना है उसमें। थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ मैं। जी, पानी डालते हुए उसको मिलाते रहना है, थोड़ा पतला कर लेना है उसको। जी, ये पनीर को मैं जो कटा हुआ था उसको स्कूप किया, अब इसको बैटर में डाल के इसको फ्राई होगा। जी, अच्छा, उस बैटर में आपने उस पनीर को डिप कर दिया। ये पनीर फ्राई हो रहा है आपका बैटर में डाल। अच्छा शेफ, ये जो कलर होता है, मतलब हमने जो बैटर रेडी किया उसमें वो कलर कैसे आया? कलर उसमें मैम, उसमें मैंने देगी मिर्च डाला हूँ। जी तो उससे ये कलर आया, होता है हल्का कलर आता है जी। हाँ, उससे टर्न कर सकते हैं हम लोग। हाँ, अभी देख रहे हैं आप, एक साइड वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी टर्न कर दिया गया है उसको। ये अभी एक साइड आपने ये चढ़ा के रखा, ये हो रहा है गोल्डन ब्राउन। तब तक आप इसकी फिलिंग के लिए आप रेडी कर रहे हैं। बेल पेपर चॉप जाएगा आपका। अच्छा, बेल पेपर चॉप, क्या बेजिल चॉप आपने? जी, उसके छोटे छोटे टुकड़े आपने किए हैं। उसको ब्लांच तो नहीं किया गया? नहीं, ब्लांच नहीं, सिर्फ ऐसे ही रॉ कच्चा ही। अभी हमारा पनीर गोल्डन ब्राउन हो गया, इसको हम निकाल लेंगे। ये आपका हो चुका है, ये पूरा, ये पनीर फ्राई चुका, पनीर फ्राई हो चुका है। ठीक है, अब इसका स्टफिंग मैं दिखा रहा हूँ आप लोग। ये आपका बेल पेपर चॉप है, रेड एंड येलो। आपका चिली फ्लेक, अच्छा चिली फ्लेक्स डाला आपने। का बेजिल चॉप है, अच्छा बेजिल, ग्रीन बेजिल चॉप। जी फ्रेश है, फ्रेश वाला जी। और इसमें क्या डालना? हल्का सा व्हाइट पेपर पाउडर। ये आपका है अमूल चीज डाला आपने। स्लाइटली क्रीम, कुकिंग क्रीम है, कुकिंग क्रीम आपने उसमें डाला। इसको आपको, अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। अच्छा, जो अभी आपने पनीर जो तला उसके अंदर जो स्कूप आउट किया है उसके अंदर भरने के लिए स्टफिंग होगा। स्टफिंग होने के बाद उसको बेक करना पड़ेगा। ये आपका मिक्सर है, दिस इज द मिक्सर। नाउ मैं इसके अंदर फिल कर, आई एम गोइंग टू फिल दिस अप। इसको थोड़ा, मतलब इसकी जो फिलिंग होगी थोड़ा अप
जी आप रहेगा आप रहेगा थोड़ा इसका इसमें कोई चीज नहीं आएगा कहीं इसमें ऑलरेडी चीज है हाँ वो मिक्सचर जो आपने रेडी किया उसमें ऑलरेडी चीज है इसलिए ऊपर से कोई आपको चीज नहीं डालनी चीज का जरूरत नहीं है थोड़ी सी फिलिंग अप साइड करके उसमें भरना है ये पनीर का स्टफिंग हो चुका है नाउ दिस इज गोइंग टू गो फॉर अ बेक एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 to 8 मिनट्स जी 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 हाँ अभी ये हमारा ये प्लेटिंग करके अभी देखा आपने तो अभी मैं इसको ले चलती हूँ बेक करने के लिए और ओवन में डालती हूँ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ इसके साथ भी आपने डिप के लिए कुछ रखा है हमें बना ऑरेंज डिप दिखा रहा हूँ जी जी तो ऑरेंज डिप के लिए जनरली ऑरेंज क्रश लेना है आपको ऑरेंज क्रश लिया आपने मैं आपका थोड़ा सा ग्रीन चिली आएगा ग्रीन चिली चॉप जी धनिया पत्ता हल्का सा सॉल्ट थोड़ा सा नमक स्लाइटली व्हाइट पेपर पाउडर और एंड जस्ट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस अच्छा इसका स्वाद थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा शायद थोड़ा ऑरेंज फ्लेवर रहेगा जी ऑरेंज फ्लेवर के साथ रहेगा हल्का खट्टा और हल्का सा तीखा भी रहेगा वेरी माइल्ड हां वो क्योंकि आपने हरी मिर्च उसमें डाली है जी जी ये आपका ऑरेंज सिलेंटो सॉस बन चुका है डिप जी तो ये ऑरेंज सिलेंट्रो आप देख रहे हैं ये बन करके तैयार हो चुका है और जो बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑरेंज के साथ ग्रीन का पूरा वो कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है कॉटेज चीज कैनेपी बनाने की विधि पनीर को सबसे पहले हम स्क्वायर साइज में काट लेंगे और स्क्वायर कटे जो पनीर है उसको बीच से स्कूप आउट करना है स्कूप आउट करने के बाद हम इसको एक साइड रख लेंगे अब हम क्या करेंगे एक पैन में थोड़ा ऑयल गरम करेंगे फिर पनीर को उस जो हमने बैटर रेडी किया उसमें डिप करेंगे डिप करने के बाद हम वो ऑयल को गरम करेंगे और उसमें हम पनीर को डाल देंगे फिर इसको दोनों साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन करके हमें तल लेना है तल के इसके उसको हमको निकाल लेना है ऑरेंज सिलेंट्रो बनाने की विधि पहले हमें ऑरेंज क्रश लेना है उसमें कटी हरी मिर्च छोटी छोटी कटी हरी मिर्च धनिया पत्ता और नींबू का रस लेना है और उसको अच्छी तरीके से मिला देना है तो आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में हम आपके साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त नमस्कार